हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको राउंड कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी कॉलर लगकर तैयार हुई है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना सीखते हैं। तो ये देखिए, ये हमने गले को बनाकर तैयार कर लिया है, शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया है और इसके आगे की तरफ काज बटन वाली पट्टी भी हमने लगा ली है। अब इसके बाद हम इसे नापेंगे। तो हमें सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसको इस तरीके से नापना है। तो पूरे गले को नाप लेते हैं, जितना हमारा होता है 9.5 इंच है तो डबल में हमारा ये 19 इंच होगा। तो इतनी ही साइज़ का हमने ये पेपर पेस्टिंग कट कर ली है और 3.5-3 इंच पर हम ये निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो 3.5 इंच ही हमने नीचे की तरफ लिया था, 3.5 इंच ही हम यहाँ पर लेंगे और राउंड में शेप दे देंगे इस तरीके से। हमने 3.5-3 इंच पर निशान लगाया था दोनों तरफ। ये हमने जितना गला चौड़ा लेना है उतना ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब दूसरी तरफ हम इसे इस तरीके से राउंड में शेप दे देंगे, जितने हमें कॉलर का साइज रखना है उसके हिसाब से। तो ये देखिए, ये हमारा निशान लगकर तैयार हो गया है। अब हम इस कॉलर को नापेंगे कि हमारी ये साइज़ की है या नहीं। तो इसको हम किस तरीके से नापेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो इंच टेप को हम इस तरीके से रखेंगे, नीचे वाले हिस्से पर हमें रखना है, ये ध्यान देना है। तो 9.5 इंच हमारा था, तो ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो इसको देखिए, 9.5 इंच था, वहाँ पर हमने निशान लगा लिया और आगे की तरफ हम इस तरीके से सरका लेंगे। बस इसी तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने कट कर लिया है, बस इसकी जो शेप है वो इस तरीके से आएगी। तो अब हम इसे कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। तो अब हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें अंदर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर लगानी है, जिसके कॉर्नर हमने राउंड में कट कर रखे हैं। तो ये सिलाई लग गई है। सिंगल फुट जितना मार्जिन रखते हुए हम इसे कट कर देंगे और इसके जो राउंड वाले हिस्से हैं उन पर भी हम यहाँ पर कट लगा देंगे छोटे छोटे, और दूसरी साइड है उसको भी हम कट कर देंगे। अब इसके बाद हम इसे सीलेंगे। तो सीलने पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, जो स्टार्टिंग हमारी जो ये पट्टी है काज बटन वाली, उसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और हमें बिल्कुल इस पेस्टिंग के पास पास सिलाई लगानी है। राउंड में हमें इसे थोड़ा ध्यान से लगाना है, बिल्कुल भी गले को या फिर जो कॉलर है उसको नहीं खींचना है। अच्छे तरीके से कपड़े को सेट करते हुए हम पूरे राउंड पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये काज बटन वाली पट्टी भी लगाना नहीं आता तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देखकर भी आसानी से ये पट्टी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कॉलर लग गई है। तो आप इसी तरीके से कुर्ते में, टॉप में ये कॉलर बना सकते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है ये। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे कॉलर के ऊपर। आप ऑप्शनल है ये सिलाई, अगर आप पेस्टिंग वाली बुकरम लगा रही हैं या पेपर पेस्टिंग लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे बुकरम लगा रहे हैं बिना पेस्टिंग वाली तो आप ये सिलाई लगा सकते हैं। तो इसके कॉर्नर पर हम ये सिलाई लगा लेते हैं और हमारी ये कॉलर कम्प्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।